अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे दोस्तों की कॉल भी आई हैं। उन्होंने पूछा है, यार आजकल परिंदों में एक बीमारी सूखड़े की बहुत ज़्यादा चल रही है। कबूतर जो है ना, परिंदा उड़ने वाला बेसिकली, तो अगर इसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाए, इसका स्टोमिक ख़राब हो जाए, तो ये प्रॉपरली उड़ भी नहीं पाता और ना ही ब्रीडिंग के काबिल रहता है और ना ही इसको हम इससे प्रॉपरली ब्रीडिंग ले सकते। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा कि यार परिंदे खा नहीं रहे। ना खाने की रीज़न समझ में नहीं आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे पोटा बांध रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आज एक एक्सपेरिमेंट किया मैं, एक मेरा परिंदा था आज एंगल का, वो कुछ दिनों से बीमार था, कुछ खा भी नहीं रहा था। सूखड़े की वजह से उसकी जो हड्डी थी वो बाहर आ गई, और उस हड्डी के बाहर आने की वजह से मुझे उस पर शक पड़ा कि यार ये इसकी हड्डी क्यों बाहर आ रही है, अगर इसकी क्या रीज़न हो सकती है। पोटा भी इसका ठीक है, वो भी सही चल रहा है, जिसको जो मैं खुराक खिलाता हूँ वो हज़म भी कर लेता है, पेट भी सही मारता है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। वाजिया तौर पे कोई दलील सामने नहीं आ रही थी कि जिससे हम कह सकते हैं कि यार ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसका इशू है। असल इशू क्या था वो आज हमें पता चला, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है तमाम दोस्तों के लिए जो मेरा चैनल देख रहे हैं, इनको बर्ड्स एंड पेट मेडिकेशन। बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, यार ये वीडियोस तमाम जो भी हैं मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो और आपके परिंदे जितने भी हैं आप उनका इलाज खुद से कर सकें, बजाय आपको किसी डॉक्टर के पास जाने। अच्छा, तो आज हमने क्या किया, एक जो हमारा परिंदा था वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। शाम को मैं घर आया हूँ तो मुझे पता चला कि वो परिंदा एक्सपायर हो गया। अच्छा, खैर मैंने आज उस परिंदे का ऑपरेट किया, चेक करने के लिए कि यार आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो चलें आपको भी दिखाते हैं। एक बात याद रखिए यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, इससे यार बड़ा हौसला अफजाई होती है, आप हौसला देंगे तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ इंशाल्लाह। तो चलें आपको दिखाते हैं कि इशू कहाँ पर और क्या है। ये देखें, इसका हमने ऑपरेट किया, हुआ क्या है कि ये आप गौर कर सकते हैं, इसकी ये कलेजी जिसे हम तिली भी बोलते हैं, कलेजी भी बोलते हैं, ये देखें इसका ये कलर और इसका ये कलर में कितना फ़र्क है। इसको प्रॉपरली सूखड़े की बीमारी हो चुकी थी, ये देखें ये इसकी जो कलर है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ से डेड हो गया, ये देखें, ठीक है, ये देखें। ये शायद किसी भाई के नज़र में ना ये चीज़ गुजरी हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको इसलिए करके दिखाया कि यार लोगों को समझ आ जाए कि असल प्रॉब्लम है क्या, और मुझे भी नहीं था समझ आ रहा, आज ऑपरेट किया है इसका तो पता चला। ये देखें, ये इसका जो कलेजी है इसका कलर बिल्कुल यहाँ से चेंज हो गया, इस कलर में और इस कलर में बहुत फ़र्क है, ये देखें ये कलर और ये कलर कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये हुआ क्या है असल में कि गर्मी की वजह से, शिद्दत की वजह से ये जो कलेजी है इसके ऊपर इसका असर पड़ा, ये हमारे एज जिगर काम कर रहा होता है, ठीक है, इसके ऊपर इतना असर पड़ा है गर्मी की वजह से कि उसने अपना काम करना छोड़ दिया, उसके अंदर स्पॉट बनने शुरू हो गए, वो हिस्सा डेड होना शुरू हो गया उसका, जिसकी वजह से ही कबूतर बीमार रहना शुरू हो गया। उसको इस जगह से बेसिकली पेन जाती है, ये देखें इसका ये हड्डी निकली हुई है, ये देखें इसकी, आप देख सकते हैं कि ये इसकी हड्डी निकली हुई है, ठीक है, ये इसकी बिल्कुल हड्डी निकलाई हुई है, ये देखें ये कितनी बारीक हो गई हुई है। अच्छा, जहाँ तक पोटे की बात है, ये देखें इसने खाया पिया भी हुआ है, खा पी भी रहा होता है परिंदा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको लग नहीं रहा होता और वो तकलीफ़ की वजह से बैठा रहता है अपनी जगह पर।
जब इसके यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो फिर जाहिर है इसके तकलीफ भी होगी, जैसे इंसानों के तकलीफ होती है वैसे ही इनके भी तकलीफ होती है। बाकी इसकी वेंस के ऊपर भी इसका असर गया हुआ है, ये आप गौर कर सकते हैं, इसका कलर यहाँ से चेंज हुआ हुआ है। हालांकि अंतड़ियों का ये कलर रहना चाहिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होना चाहिए अंतड़ियों का कलर, लेकिन क्या है इसकी ख़राबी की वजह से इसकी अंतड़ियों में भी प्रॉब्लम आ गया। जब अंतड़ियों में प्रॉब्लम आ जाता है तो कबूतर का जो है स्टोमिक सिस्टम प्रॉपरली चलना बंद हो जाता है। अब ये देखें, ये इसका पोटा है, वो ठीक है बिल्कुल, ये देखें ये इसका सही है, बिल्कुल ठीक है, ये सेहतमंद है पोटा। लेकिन पोटा भाई वहाँ पे क्या करेगा, ये देखिए इसके ऊपर भी असर है फिलहाल। ये देखिए यहाँ से इसका कलर चेंज हुआ हुआ, ये देखिए ये कलर चेंज हुआ हुआ। आजकल मक्खियों का मौसम है ये, बार बार मक्खियाँ तंग कर रही हैं मुझे। लेकिन ये देखिए कि इसके ऊपर भी, इसके पोटे पर भी इसका असर हुआ, यानी कि इसके मैदे पर भी इसका असर। और अगर आप थोड़ा सा इसको और मज़ीद गौर कर लें, ये देखें, ये देखें ये पोटे का कलर यहाँ से चेंज है बिल्कुल, जो कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। और कलेजी का वो मैंने आपको दिखा दिया है कि इसकी कलेजी में क्या इशू बना, ये देखें ये इसका बिल्कुल हिस्सा उसने डेड कर दिया, इस कलर में और इस कलर में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर पूरी कलेजी है जो आपको नज़र आ रही है। तो जब ये सिस्टम हो जाता है तो फिर भाई बीमारी आ जाती है और परिंदा बीमार हो के एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का मकसद बेसिकली बताना इसलिए है कि यार आप लोग अपने परिंदों की केयर करें, उनको गर्मी से बचाएं, उनकी गर्मी के हवाले से उनको पानी के अंदर ग्लूकोज लाजमी दिया करें। इस मौसम में कैल्शियम और ग्लूकोज ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पानी में ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल से ये होता है कि इसके अंदर निमकोल भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि निमकोल के अंदर ये होता है कि इसका जो नमकियात की कमी होती है ना परिंदे के अंदर होती रहती है, तो वो उसको पूरा कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आपने परिंदों को गर्मियों के खास करके मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका ख्याल रखना है, उनका इस हवाले से ख्याल रखना है कि उनको गर्मी से बचाना। अगर हमने उनको गर्मी से बचा लिया तो वो अगले सीज़न सर्दियों के लिए हमारे लिए रेडी रहेंगे, और अंडे बच्चे जो वो ब्रीड कर रहे हैं वो सही करते रहेंगे। अगर यही सिस्टम होता रहा तो भाई नुकसान होता रहेगा सभी लोगों का। तो यही आप लोगों से गुजारिश थी कि यार आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि यार आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन भी है दबा दीजिए।